ऑल ब्यूटीफुल पीपल, हिरोज विद दिस साइड. वेलकम टू दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीस चैनल, जहां पर मैं आपको हेल्प करती हूँ आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी अपना बेस्ट वर्जन पा सके. और गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये है रिलेटेड विद बेसिक डाइनिंग टेबल मैनर्स. इसका पार्ट टू भी बन चुका है, पार्ट वन भी बन चुका है. दोनों ही पार्ट बन चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही वीडियोस की मैं लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप पहले उन वीडियोस को जाकर देख लीजिएगा ध्यान से एक बार. गाइस, ये है बेसिक डाइनिंग टेबल मैनर्स का पार्ट थ्री. इसमें मैं आपके साथ पांच और बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट डाइनिंग टेबल मैनर्स शेयर करूंगी. सो चलिए जानते हैं कौन सा डाइनिंग टेबल मैनर आता है ऑन नंबर 11. 11 नंबर पर जो डाइनिंग टेबल मैनर आता है वो ये आता है कि आपने डाइनिंग टेबल के ऊपर जब भी बात करनी है आपने धीमे स्वर में ही बात करनी है. हालांकि ये ज्यादातर बोला जाता है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ऑल दोस थिंग्स. बट आई थिंक रियल लाइफ में इन्हें बहुत कम लोग फॉलो करते होंगे, एक तरह से ना मात्र लोग इसे फॉलो करते हैं, बिकॉज आजकल हर एक का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है. तो डाइनिंग टेबल पर सब लोग एक साथ होते हैं, तो लोग बात वगैरह थोड़ी सी करते हैं, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं. तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप डाइनिंग टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं आपने ज्यादा ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी है, धीमे स्वर में बात करनी है. एंड द सेकंड थिंग आपको जैसे ध्यान में रखना है कि तहजीब यही कहती है कि आपने दाएं और बाएं जो लोग बैठे हुए हैं उनसे आपने ज्यादा बात करनी है, और जो आपके बिल्कुल सामने व्यक्ति बैठा हुआ है उससे आपने इतनी बात नहीं करनी है. मतलब जरूरी अगर कोई बात है तो वही उनके साथ करें, नहीं तो कोशिश करें कि अपने दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं उनसे ही ज्यादा बातचीत करें. नेक्स्ट जो डाइनिंग टेबल मैनर है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो सामान वगैरह कुछ गिर जाता है, या हमारे हाथ से कोई ग्लास वगैरह गिर जाता है, या किसी के ऊपर कुछ गिर जाता है. तो वहां पर आपने दो बातों का ध्यान रखना है. पहले तो थोड़ा काम रहना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है. एंड सेकेंड थिंग इज कि ये नहीं कि आप गलती करने के बाद भी कोई अपोलोजाइज नहीं कर रहे हो, अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए हो, या फिर आप वेटर को आवाज लगा रहे हो साफ करो, या ऑल दोस थिंग्स. अगर आपका घर है तब तो आप ये कर सकते हो, बट अगर आप किसी के घर एज अ गेस्ट गए हुए हैं देन आपने कोशिश करनी है कि आप खुद ही नैपकिन उठाएं और जो गिराया वगैरह है ना आपने उसे पोंछने की कोशिश करनी है. आपने थोड़ा सा ये गुड मैनर है, आपने थोड़ा सा शो कराना है कि आपको इस चीज का रिग्रेट है और आपने थोड़ा सा वो शो करना है. ओके, नेक्स्ट जो डाइनिंग टेबल मैनर है वो ये है कि आपने खाना खाने के बाद कभी भी अपनी उंगलियां नहीं चाटनी है. आई नो बचपन में आपने भी ऐसा किया होगा और अब भी बच्चों को ये बहुत आदत होती है कि चिप्स वगैरह का मसाला अगर उंगलियों के ऊपर लगा हुआ है, या फिर ग्रेवी वगैरह उंगलियों के ऊपर है, या फिर जलेबी वगैरह खाते हैं उसकी चाशनी वगैरह उंगली के ऊपर लगी होती है तो वो उसे चाटने लगती है. तो बच्चों को जरूर बताना है कि उन्होंने कभी भी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए ऐसे उंगलियां नहीं चाटनी है, और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है. गाइस, नेक्स्ट जो डाइनिंग टेबल मैनर है वो ये है कि आपने जब भी अपने टेबल से उठकर जाना है ना, आपके दाएं और बाएं लोग जो बैठे हुए हैं आपने उन्हें एक्सक्यूज मी बोलना है और फिर उठकर जाना है. और ध्यान रखिएगा आपने अपनी चेयर को टेबल से थोड़ा सा दूर कर देना है. इट मींस आप किसी काम वगैरह के लिए या ऐसे कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए गए हुए हो और वापिस से आपने आकर खाना खाना है, और जब आपने वापिस भी आना है तब भी आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने दाएं और बाएं जो लोग बैठे हैं उन्हें एक्सक्यूज मी बोलना है, फिर आपने अपनी चेयर के ऊपर बैठना है. इसका कारण क्या है कि जब आप जा रहे थे हो सकता है वो लोग आपसे बात कर रहे हो, आपको कोई कॉल आ गई, तब एक्सक्यूज मी बोलने का ये मतलब है कि आप कन्वर्सेशन से बाहर हो रहे हो. ओके, और जब आप आ गए अपने कॉल वगैरह अटेंड कर आप फिर से खाना खाने वाले हो, चेयर पे बैठने लगे हो, तब आप एक्सक्यूज मी इसलिए बोलोगे कि वो हो सकता है वो दो लोग आपस में बात कर रहे हो, तब वहां पे आपने एक्सक्यूज मी बोलना है, अपनी प्रेजेंस को शो करना है और कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना है. ऐसा नहीं करना कि आपको कोई कॉल वगैरह आई, आपने ऐसे खाना खाना छोड़ा, उंगलियां वगैरह अपनी नैपकिन से पूंछी, फोन उठाई और चले गए, और वापिस से अपनी मर्जी से आए और बैठ के खाना खाने लगे. ऐसा नहीं करना है, ये एक मिस्टेक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा. 15th नंबर पे जो डाइनिंग टेबल मैनर है वो वेटर से रिलेटेड है. पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आपने वेटर को हेलो, ओए, सुन, या इंडिया में छोटू किसी ऐसे तरीके से नहीं बुलाना है जिससे उसे लगे कि आप उसे नीचा दिखा रहे हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. बिकॉज आप तो वेटर को बुला रहे हो मगर और लोग भी आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बुला रहे हो, वो सुन रहे हैं. तो वहां पर अगर आप ऐसा करोगे इंप्रेशन खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं. सेकेंडली, अगर वेटर आ गया है खाना लेकर, मान लीजिए ट्रे वगैरह जो है वो भरी हुई है खाने से, ज्यादा खाना है, तो आपने
ज्यादा उसे इंतजार भी नहीं करवाना है, कोशिश करनी है कि आप खुद ही उससे खाना उठाकर अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने की कोशिश करें, बिकॉज आफ्टर ऑल खाना तो आप ही के लिए लेकर आया ना वो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उसकी मदद करने की कोशिश करनी है। तो गाइस यही था पार्ट 3, इसमें मैंने आपके साथ 5 बेसिक मैनर्स शेयर करे हैं। अगर आप सीधा ही पार्ट 3 देख रहे हैं तो आप जरूर से जाकर पार्ट 1 भी देख लीजिए और एक बार 2 भी देख लीजिए, बिकॉज ये कुछ डाइनिंग टेबल मैनर है, कुछ थोड़े से मिनट की वीडियो होती है, आप अगर एक बार देख लेंगे तो लाइफ टाइम काम आएगी। ठीक है, तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिए, 2 भी देख लीजिए, खैर 3 तो आपने देख ही लिया होगा। अब इसका आगे पार्ट 4 भी आएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द पार्ट 4।